कान्हा के संदीपनी आश्रम जाने के पीछे अवश्य उस विष्णु का कोई खेल है। अब कौन सा खेल खेल रहा है वो चक्रधारी? कान्हा में अभी इतनी क्षमता नहीं है कि वो तुम्हारा सामना कर सके। वो मानव अवतार में है, परम अवतार होना बाकी है। तो क्या संदीपनी जाकर परम अवतार बन जाएगा वो? उस संदीपनी से मैं भली भांति परिचित हूँ। संसार में शस्त्र शिक्षा, ज्ञान शिक्षा, बल शिक्षा सभी में सर्वश्रेष्ठ है वो संदीपनी। वो संदीपनी और कोई नहीं अपितु विष्णु के अवतार परशुराम का शिष्य है। इसीलिए कान्हा के उज्जैनी जाने के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। ये रणनीति तो तब सफल होगी ना जब वो कान्हा वहां पहुंचेगा। उसके उज्जैनी पहुंचने से पहले मैं उसे मथुरा ले आऊंगा और अंत कर दूंगा उसका। किंतु कैसे लाओगे उसे मथुरा? पुत्र पुत्र, तुमने अपना सारा बल लगा दिया, इतने सारे असुर भेजे, किंतु तुम सदैव असफल रहे, है ना? समझ गया मां, आप मुझसे इतना कुछ कह रही हैं, तो उस कृष्ण कन्हैया को मथुरा लाने का आपके पास कोई मार्ग अवश्य है। बहुत बड़ा छलिया है ना तुम्हारा भांजा कान्हा, तो अब उसे बल से नहीं छल से मथुरा लेकर आएंगे। वृंदावन से निकला हर मार्ग अब केवल मथुरा आएगा। वो कहीं को भी जाए परंतु पहुंचेगा केवल मथुरा। तूने सुना तो नहीं? माता दनु की जय। लल्ला, ये प्रातः खा लेना और ये दोपहर में ये दो और सुन, तू ठीक से खाना और अपना ध्यान रखना। हाँ मैया, मैं प्रातः एक मटकी, दोपहर को दो मटकी और संध्या को तीन मटकी माखन खाऊंगा। काना, यदि माखन खाने से समय मिल जाए तो थोड़ी शिक्षा भी ग्रहण कर लेना। देख लो मैया, एक तो मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ और दामू काका मुझे परेशान कर रहे हैं। दामोदर जी, शिक्षा देने के लिए तो वहाँ गुरुदेव है ना, किंतु मेरे लल्ला को भोजन कराने के लिए मैं नहीं हूँ ना वहाँ। लल्ला, तू समय से माखन खा लेना। किंतु मैया, आश्रम में माखन कहाँ से आएगा? कान्हा, तुम माखन की चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ ना, मैं प्रतिदिन वृंदावन से आश्रम माखन लेकर आया जाया करूंगा। ये देखो। एक काम करता हूँ मैया, मैं जाता ही नहीं हूँ।